आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि कलश स्थापना के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और कैसे की जाती है। ये कलश स्थापना पहली बात तो ईशान कोण में करना चाहिए। जो सामग्री है वो हम आपको बता देते हैं। कलश स्थापना के लिए आपको लगेगा एक कलश, कलश ढकने के लिए पात्र, कलश के ऊपर रखने के लिए अखंड चावल, शुद्ध मिट्टी या बालू, जौ, जौ बोने के लिए पात्र, जल, गंगा जल, आम और अशोक के पत्ते, दुर्वा, रोली, चावल, सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, पंचरत्न, सर्वसुधि, कुश, नारियल, लाल कपड़ा या लाल चुनरी, मौली और चंदन और पुष्पों की माला या फिर पुष्प। सबसे पहले जिस भूमि पर या पाटे पर या पात्र में जौ बोने हैं वहाँ रोली से अष्टदल कमल बनाएं। फिर मिट्टी या बालू को शुद्ध जमीन या मिट्टी के बर्तन या परात में डालकर वेदी बनाएं। नवरात्र में अवस्थापित कलश को कई दिनों तक सुरक्षित रखना पड़ता है, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो। इसलिए शुद्ध मिट्टी बिछा दी जाती है और उस पर जौ बो दिए जाते हैं। इसे जयंती कहते हैं। नवरात्र में उगे हुए जौ को विजयादशमी के दिन पूजन के बाद काटा जाता है और देवताओं को समर्पित किया जाता है। और इसके बाद आशीर्वाद स्वरूप इन जौ को अपने मस्तक पर लगाकर शुभ स्थानों पर रख दिया जाता है। कलश स्थापना के लिए कलश को तैयार किया जाता है। मिट्टी, तांबा, सोना, चांदी या पीतल या नया कलश लेकर उस पर रोली से स्वास्तिक और दोनों तरफ त्रिशूल बनाकर कलश के गले पर मौली बांध दी जाती है। जो कलावा होता है, जो हम हाथ पे बांधते हैं ना, वो वाली। अगर कलश मिट्टी का है तो उससे पहले शुद्ध जल से भरकर देख लें कि कहीं उसमें जल रिस तो नहीं रहा है। कलश में शुद्ध जल के साथ थोड़ा सा गंगा जल भी मिला दीजिए और फिर कलश को जौ मिली रेत पर स्थापित कर दीजिए। कलश में विभिन्न पदार्थ विभिन्न वेद मंत्रों से डाले जाते हैं। कलश में आप चंदन डालिए, उसके बाद मुरा, जटामानसी, वच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी, दारू हल्दी, सठी, चंपक और सुस्ता। कलश में दो दुर्वादल डालिए। कलश में सुपारी भी डालना है। कलश में पंचरत्न डालना है, सोना, हीरा, पद्मराग, मोती और नीलम। एक रुपए का एक सिक्का डाल दीजिए। कलश में पंच पलव, आम, पीपल, वट, पाकड़ और गुल्लर के पत्ते रखें। यदि ये पत्ते नहीं मिलते हैं तो केवल अशोक और आम के पत्ते भी कलश पर लगा सकते हैं। कलश में कुश छोड़ दीजिए। कलश में सप्तमृतिका डाली जाती है। सप्तमृतिका मतलब घुड़साल, हाथीसाल, बाम्बी, नदियों के संगम, राजद्वार और गौशाला की मिट्टी। परंतु आम इंसान के लिए इतना करना मुमकिन है नहीं, अतः भाव से ही इसको कलश पर छोड़ दें उनका नाम लेकर। तो शास्त्रीय विधि से कलश में डाले जाने वाले सभी पदार्थ नहीं मिलने पर चंदन, रोली, हल्दी की गांठ, सुपारी, एक रुपये का सिक्का, गंगाजल और दुर्वा डली इनफ हो जाएगा। ये सब पदार्थ कलश के अंदर डालने के बाद कलश पर एक प्लेट में चावल भरकर स्थापित कर दीजिए और फिर लाल कपड़ा लपेटे हुए नारियल को मौली से बांधकर चावलों के ऊपर रख दीजिए। तो इस तरह से आप सारी चीजों को डालकर पूरा कलश तैयार कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।